हर हर महादेव। जैसे हमारे यहाँ बाल बनवाने में कई निषेध हैं, तिथियों का, वारों का, नक्षत्रों का, लग्नों का, महीनों का, दिनों का, तो इतने निषेध हैं, इनसे कैसे बचा जाए? इसका कोई प्रायश्चित हो या कोई लघु उपाय हो तो वो बतलाएं, तो इसका आप जो है श्रवण करें। और दूसरा ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको आयोजन रोज ही चौर कर्म करना पड़ता है, जैसे कि हमारे सेना में रहने वाले लोग हैं, सेना में जो भाई हैं, तो वहाँ तो नियम है कि रोज जो है बाल बनवा करके अपनी जो है दाढ़ी साफ करके ही जाना है। या कुछ लोग नृत्य गान इत्यादि करते हैं, नाचने गाने वाले हैं, वो लोग रात में भी बना करके फिर जो जाते हैं, तो ये लोगों के लिए क्या होगा फिर? और कभी कोई ऐसी बात बन जाती को समय करना ही होता है, तब क्या निषेध विधि है, उस समय क्या जो है मार्ग है, जो शास्त्र की कोई आज्ञा हो जिससे ऐसा करने पर वे दोष के भागी न बने। तो देखिए, पहले जो देखिए, जो राजपुरुष हैं या जो नृत्य गान जीवी हैं, इनसे ही जो है अपने स्वरूप पर ही जो अपने पैसा कमाते इत्यादि हैं, तो उन लोगों के लिए शास्त्रों में क्या व्यवस्था है? ये महर्षि बृहस्पति का वचन है कि राज्य कार्य नियुक्ता नाम नटा नाम रूप जीवी नाम स्मश्रु रोम नखच्छेदे नास्ति काल विशोधनम। ये देखिए, इनके लिए लिखा हुआ है संस्कार गणपति में कि राज कार्य नियुक्ता नाम, जो राज्य कार्य में नियुक्त हैं, जैसे कि फौजी भाई आदि लोग, नटा नाम जो नट हैं, रूप जीवी नाम जो कला इत्यादि दिखलाते हैं, और रूप जीवी हैं जो रूप पर ही अपनी जीविका चलाते हैं, ऐसे लोग स्मश्रु रोम नखच्छेदे, ऐसे लोग स्मश्रु दाढ़ी मूछ इत्यादि बना लेते हैं या नाखून काट लेते हैं, बाल बनवा लेते हैं, तो नास्ति काल विशोधनम, तो इनके लिए समय इत्यादि का विशेष विचार नहीं है, अपने उस कार्य के लिए वो उस निषिद्ध समय में भी बनवा सकते हैं, और अन्यथा ऐसा उनका कोई कार्य नहीं हो तो फिर वे विचार करें, ये बात है। एक और निषेध है, अगर किसी निषेध में आपने जो है बाल बनवा दिए, तो एक लघु उपाय और है कि निषिद्धेषु च कालेषु छौर कर्म यदा भवेत् तद् दोष शांतये शीघ्रं कुर्यात् तच्च शुभे दिने। यदि किसी निषिद्ध तिथि बार में आपने बाल बनवा दिए, आपको पता चला रहे कि ये तो निषेध था, इसमें नहीं बनवाना चाहिए था, कभी कभी बार भूल जाते हैं, उस दिन किसी ने बनवा दिया, तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर उस दोष की शांति के लिए कुर्याच शुभे दिने शीघ्रम, तो शीघ्र ही कोई शुभ मुहूर्त में जिस दिन निषेध नहीं हो उस दिन बाल फिर बनवा लेना चाहिए, ये बात कही जा रही है। और देखिएगा कि धर्म सिंधु में कुछ और विशेष बात बतलाई गई है, उसको सुने। छौरम न कुरिया कुरियु रभ्यक्त भोक्त स्नात विभूषिता और प्रयाण समरारंभे न रात्रौ न च संध्यायो। बोले छौर कर्म तेल लगा करके नहीं करना चाहिए, खा करके नहीं करना चाहिए, ना करके और श्रृंगार करके भी छौर नहीं करना चाहिए, बाल नहीं बनवाना चाहिए, और यात्रा के समय में भी छौर कर्म वर्जित है, और युद्ध के समय पर समरारंभे, समरारंभ में, रात्रि में भी जो है, और दोनों संध्याओं में, एकदम सुबह एकदम शाम को भी ये जो है बाल नहीं बनवाना चाहिए। श्राद्धा प्रतिपद रिक्त व्रतान्य च नवैधृतौ। श्राद्ध वाले दिन, जिसमें जिस दिन घर में श्राद्ध हो उस दिन भी छौर कर्म वर्जित है, प्रतिपद प्रतिपदा तिथि में, और रिक्ता यानी चतुर्थी नवमी चतुर्दशी इनमें, और व्रतान्य जिस दिन कोई व्रत हो आपका,
व्रत वाले दिन भी नहीं बनवाना चाहिए, न वैद्यताऊ और वैद्यती तिथि में भी नहीं बनवाना चाहिए। और जो जन्म नक्षत्र हो, जिस दिन जन्म नक्षत्र है जो जिसका, तो उस दिन भी बाल नहीं बनवाए। यद्यपि जन्म नक्षत्र कई कार्यों में प्रशस्त है, जन्म नक्षत्र के बारे में सुनिए, प्रशस्तम जन्म नक्षत्रम सर्वकर्म सुकीर्तितम। जन्म नक्षत्र यद्यपि सभी कर्मों में प्रशस्त कहा गया है, लेकिन क्षौर प्रयाण भैषज्यम विवादेशु न शोभनम। क्षौर कर्म में अर्थात जन्म नक्षत्र वाले दिन क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए, बाल नहीं बनवाना चाहिए, जन्म नक्षत्र में यात्रा नहीं करना चाहिए, जन्म वृक्ष में भैषज्य कोई दवाई शुरू नहीं करना चाहिए, औषधि सेवन शुरू नहीं करना चाहिए, अति कोई आवश्यक हो तो ले सकते हैं, जब कोई शुरू करना तो नहीं करना चाहिए। विवादेशु, उस दिन किसी से विवाद नहीं करना चाहिए, मुकदमा इत्यादि नहीं करना चाहिए, ये भी सब निषेध है। न शोभनम, षष्ठियां है ना, ये जो तिथि इत्यादि है इनमें नहीं कराना। क्षौरम नैमित्तिकम कार्यम, क्षौर नैमित्तिकम कार्यम निषेधे सत्यपि दुर्लभम। निषेध होने पर भी अब बतला रहे कुछ निषेध है, इनमें भी क्षौर कर्म कर सकते हैं। कब कब कर सकते हैं, देखिए निषेध है, ये जितने बार तिथि इत्यादि निषिद्ध हैं उनमें भी क्षौर हो सकता है, बाल कर सकते हैं। कब, वे क्षौरम नैमित्तिकम कार्यम निषेधे सत्यपि ध्रुवम, जिनमें निषेध है उनमें भी नैमित्तिक क्षौर हो सकता है। नैमित्तिक क्षौर क्या है, बोले यज्ञ, वो यज्ञ हो कर रहे हैं आप, जैसे कि सोमयाग इत्यादि या कोई प्रायश्चित यज्ञ से पूर्व, तो उसमें बाल बनवाया जा सकता है, वहाँ कोई बार तिथि नक्षत्र हो उसका विचार नहीं करना। मृतौ, कोई व्यक्ति मर गया है परिवार में, तो उसका दसवें दिन या वो संस्कर्ता उसमें दिन पहले दिन बना रहा है, तो भी बाल बार का विचार नहीं है। बंध मोक्षे, यदि कोई कोई जेल में पड़ा हुआ है और वहाँ से बाहर निकला है, तो फिर वो उसको बंधन से मुक्ति होने पर। नृप विप्राज्ञया पीचा, यदि कोई राजा की आज्ञा से कभी भी निषेध में दिन में भी बाल बनवाए जा सकते हैं। और विप्राज्ञा, यदि कोई ब्राह्मण आज्ञा दे दे, ब्राह्मण कह देवे, तो निषेध वाले दिन भी बाल बनवाने में दोष नहीं है। नृप विप्राज्ञया पीचा, देखिए प्राग वयस्कई ही स पितृकईर न कार्यम मुंडनम सदा। प्राग वयसे, वयस्य होने से पहले, और जिनके पिता जीवित हैं वे लोग बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी कारण के मुंडन नहीं करवाना चाहिए। मुंडनस्य निषेधेपि कर्तनम तु विधीयते, जहां मुंडन का निषेध है उन लोगों के लिए तो वे बाल कटवा सकते हैं, कर्तनम तु विधीयते, लेकिन उदंग मुखा प्रांग मुखो वा वपनम कारये सुधी, सदा उत्तर की ओर मुंह करके या पूर्व की ओर मुंह करके ही वपन करवाना चाहिए। केशमश्रु लोम नखान्युदक संस्थानी वापये, केशों का श्मश्रुओं का वपन सदा उदक संस्थई माने उत्तर की ओर मुंह करके ही बाल बनवाना श्रेष्ठ है, ये बतलाया गया है। श्मश्रु कर्म जिस दिन किया है व्यक्ति ने, उससे नौवें दिन भी जो बाल दोबारा नहीं बनवाना चाहिए, ये भी बात है। अमावस्या इत्यादि चतुर्दशी निषिद्ध है, इसमें यह भी निषेध है, नौवें दिन भी श्मश्रु कर्म भवे नैव नवमे दिवसे क्वचित, जिस दिन बाल बनवाया उससे नौवें दिन कभी भी बाल नहीं बनवाना चाहिए, ये भी बात का ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए कोई निषेध में बाल बन गया तो उसका क्या जो है परिमार्जन है, क्या उसकी व्यवस्था शास्त्रों में दी गई है, तो कहते हैं कि एक श्लोक है, उस श्लोक में जो है भगवान के नाम है, कुछ स्थानों के नाम है, तो उस श्लोक का यदि कोई पाठ कर लेता है तो निषिद्ध दिनों में बाल बनवाने का दोष नहीं लगता। देखिए क्या कह रहे हैं,
आनर्तो हि क्षत्र पाटल पुत्रो दितिर्दिति श्री साक्षौरे स्मरणात् देशा दोषा नश्यन्ति निःशेषा। ये श्लोक है, इसका पाठ करना चाहिए। आनर्तो हि क्षत्र पाटल पुत्रो दितिर्दिति श्री साक्षौरे स्मरणा देशा दोषा नश्यन्ति निःशेषा। ये अनर्थ एक देश है, उस अनर्थ देश का स्मरण करना चाहिए। अहिक्षत्र, अहिक्षत्र माने है जो है नृसिंह भगवान। पाटलिपुत्र ये पटना जो है बिहार की राजधानी है वो पटना का। दितिर्दिति, दिति ही पाटलिपुत्रो दितिर्दिति, अदिति और दिति देवी का। श्रीशः लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु का। इन का जो है स्मरण करने से, छौरे माने छौर काल में स्मरण करने पर, जब भी बाल बनवाए तो इस श्लोक का जरूर स्मरण करें। कोई ना कोई निषेध होगा तो वो सब दूर हो जाएगा। छौरे स्मरणात् एषां दोषान् नश्यन्ति, छौर काल में इनका स्मरण करने से दोषान् समस्त प्रकार के निषिद्धों में बाल बनवाने का दोष है, उन दोषों को निःशेषाः नश्यन्ति, समस्त दोषों का जो है नाश कर देता है। तो सभी लोग इस श्लोक को याद कर लें, क्योंकि सभी को बाल बनवाना है। इस श्लोक को हम जो है नीचे लिख करके देंगे, टिप्पणी में भी लिखा रहेगा और मूल में लिखा रहेगा, इसलिए इस श्लोक को सब लोग याद कर लेना। हर हर महादेव।